नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो तक पे। आप देख रहे हैं तंत्र मंत्र और विज्ञान और मैं हूँ श्रुति द्विवेदी। आज हम बात करेंगे बीज मंत्रों से कैसे गायत्री मंत्र को संपुटित किया जाता है। बीज मंत्रों के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था। बीज मंत्र बहुत ही पावरफुल रहते हैं। जैसे किसी पौधे को उगाना हो तो बीज में कितनी क्षमता है इससे पता चलता है कि वो मंत्र कितना कारगर होगा। बीज मंत्र हर देवी देवता का अलग होता है। विद्या प्राप्ति के लिए बीज मंत्र है ऐम। आकर्षण के लिए बीज मंत्र है क्लीम। धन प्राप्ति के लिए बीज मंत्र है श्रीम। ऐसे ही हर किसी उपयोग के लिए अलग अलग बीज मंत्र है। आज मैं बात करूंगी विद्या प्राप्ति के बीज मंत्र के बारे में और मैं बात करूंगी गायत्री मंत्रों के बारे में। हर देवी देवता का एक अलग अलग गायत्री मंत्र होता है। कहा जाता है कि गायत्री मंत्र किसी भी देवी देवता का जब होता है तो उसमें भी कोई नियम कानून नहीं होता है। वो अपने आप में शुद्ध होता है, उसमें ना कीलक होता है, यानी कि वो कीलित नहीं होता है। वो अपने आप में एक अलग ही प्रभावशाली एनर्जी लेकर आता है। गायत्री मंत्रों की इस श्रृंखला में आज मैं बात करने जा रही हूँ बगला गायत्री मंत्र की। माँ देवी बगलामुखी का जो गायत्री मंत्र है वो क्या है, चलिए जानते हैं। बगला गायत्री मंत्र है ओम ब्रह्मास्त्र रूपिणे विद्महे स्तंभन बाणाय धीमहे तन्नो बगला प्रचोदयात। मैं रिपीट करती हूँ, ओम ब्रह्मास्त्र रूपिणे विद्महे स्तंभन बाणाय धीमहे तन्नो बगला प्रचोदयात। अब जो भी व्यक्ति एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है तो इसी मंत्र को संपुटित कर दे, यानी कि ओम हटा दे शुरू में और बीज मंत्र जो विद्या का है ऐम उससे संपुटित कर ले, तो यह मंत्र क्या बन जाएगा, चलिए जानते हैं। ऐम ब्रह्मास्त्र रूपिणे विद्महे स्तंभन बाणाय धीमहे तन्नो बगला प्रचोदयात। ऐम, मैं रिपीट करती हूँ, ऐम ब्रह्मास्त्र रूपिणे विद्महे स्तंभन बाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात। ऐम यह मंत्र यदि 11 बार आप सुबह के समय जपें तो निश्चित तौर पे स्टूडेंट्स को बहुत लाभ होता है। खासकर जो आईएएस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कंपेरेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस के, जज के, मतलब जो बहुत ही हाई लेवल एग्जामिनेशन की तैयारियां कर रहे हैं, उन्हें बहुत जल्दी एग्जामिनेशन की तैयारियों में जो स्ट्रेस होता है उससे आराम मिलता है। साथ ही मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग होता है और विद्या, अपार विद्या की प्राप्ति होती है। ये मंत्र कैसे करना है, किसी भी समय, प्रेफरेबली तो रात के 10 के बाद होता है, पीले आसन पे, ऊनी आसन बिछाएं, उस पे बैठे, पीले कपड़े धारण करके हल्दी की माला आप ले लें और माला थैली में रखें। माला कभी भी बाहर किसी और को नहीं दिखनी चाहिए। उस माला से जप करें, कम से कम एक माला नित्य प्रतिदिन जपने से विद्या प्राप्ति बहुत ही सरल हो जाती है। ऐसी खास बातें लेकर आऊँगी मैं श्रुति द्विवेदी केवल तंत्र मंत्र और विज्ञान में एस्ट्रो तक पे। नमस्कार।